देवर के जो ससुर थे उनकी हत्या हो जाती है रहस्य मर्डर से, ससुर के भाई की हो जाती है, फिर सास की हत्या हो जाती है, फिर पति की हत्या हो जाती है, पति की हत्या के बाद फिर दो प्रोमिनेंट, तीन प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस बड़े रहस्यमय तरीके से वो एक्सीडेंट में गुजर बसते हैं, गुजर गए। आप शायद जी मिलकर माधवराव सिंधिया की और जी राजेश जी पायरे जी इन जी लोगों की मौत की हाँ बात कर रहे हाँ हैं। तो वो मतलब ये बड़ा कोइंसिडेंस साहब, मतलब कभी कभी मैं क्या कहूँ, इसका पैटर्न, इंटेलिजेंस में पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उनके उनकी उनकी हत्या हो जाती है, फिर इनके दामाद, उनके पिता दामाद के पिता रहे समय तरीके से चले जाते हैं, चाचा चले जाते हैं, बहन चली जाती है, भाई चला जाता है। तो आप अगर ये पूरा, अगर आप एक इसका एक किसी तरीके का आप अगर डायग्राम बनाइए पूरा है उसका, तो आपको एक बड़ा खूनी खेल नज़र आता है। इसमें पैटर्न बड़ा खूनी है, पूरा पूरा खून से लथपथ। अब मेरा अपना ये मानना है पुष्पेंद्र जी, कि आम तौर पे राजनीति में एक्सीडेंट से कोई नहीं मरता है, उसको मरवाया जाता है। वो उस समय आंध्रा का जो वो था रेड्डी, वो भी बड़े रहस्यमय तरीके से गया। और क्या इक्वेशन था आपको मालूम है, पैसे का क्या लेन देन था वो। तो ये देखिए, ये मैं कह रहा हूँ कि ये सब बाहर का इन्फ्लुएंस है। अगर बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं होता तो आप बताइए कि राहुल गांधी चुपके चुपके चाइनीज़ एम्बेसी में क्यों जाते हैं डोकलम क्राइसिस के बाद। वो तो पकड़े गए ना, वो तो पकड़े गए, वो तो बड़े होशियार बन के कुछ लोगों ने उनको शायद उनके मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे, उन्होंने देख लिया, कवर कर लिया उसको। ऐसा क्यों हुआ कि राहुल गांधी अमेरिकन एम्बेसडर से अपने ही देश के बारे में कह रहे हैं, जिन हिंदुओं पे आप राज करना चाहते हो, उन्हीं हिंदुओं को आप बोल रहे हो कि ये टेररिस्ट हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू टेरर ज़्यादा खतरनाक है इस्लामिक टेरर से। 9/11 हिंदुओं ने किया था, इराक में हिंदू हैं, हिंदू टेररिज्म कर रहे हैं, ईरान में हिंदू टेररिज्म कर रहे हैं, सीरिया में हिंदू टेररिज्म कर रहे हैं, क्या ब्रिटेन में हिंदू टेररिज्म कर रहे हैं, क्या फ्रांस में हिंदू टेररिज्म कर रहे हैं, क्या आईसीस में हिंदूज हैं। मतलब आप सोचो, मतलब कितनी कितनी घिनौनी ये सोच है। सिंह साहब, ये इसका मतलब तो ये हुआ कि क्या ये भारत की आज़ादी के बाद से जो इतने मुखौटों में थे, अब वो मुखौटे सबके उतर रहे हैं? क्योंकि अभी हाल का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें जो दो तीन बातों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि इस देश में जिन लोगों ने एक बड़े नामी विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाए, आप वहां गए, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अब आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम जो 124A जिसमें देशद्रोह का मामला है उसे हम और लचीला बनाएंगे। तो ये पार्टियां क्या मतलब इस देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं क्या? जीतना हारना वो अपनी जगह है, लेकिन इस इलेक्शन में मैनिफेस्टो में जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि 370 को हटाया तो हम इसको, हमें कबूल नहीं होगा ये, और इस देश में 370 को हटाने को 370 को रखने की बात हो रही है। आप पाकिस्तान के लोग बात कर रहे हैं 35 में, आप 35 में बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कितने के साहब हम तो जो जो बाहर से हमारे यहाँ लोग आए हैं शरणार्थी हैं, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान हो चाहे बांग्लादेशी मुसलमान हो, हम उस कानून को भी खत्म करेंगे।
तो क्या इस देश को तोड़ने की साजिश वही लोग कर रहे हैं जो देश चला रहे थे इतने समय से? देखिए, आप कांग्रेस का इतिहास ले लें, चाहे लोगों की कितनी भी मतभेद हो, आखिर सेडिशन के चार्ज पे पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेल के अंदर ठोक दिया था ना, सेडिशन के चार्ज पे। तो ये जो माओवादी कांग्रेस है या चर्च वाली जो कांग्रेस है, ये क्या कहना चाहती है कि नेहरू गलत थे, इनके मुताबिक शेख अब्दुल्ला को नहीं डालना चाहिए था अंदर? पहली बात। दूसरी बात, क्या इंदिरा गांधी के समय में राज्य में अगर कोई ये नारा देता, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंदिरा गांधी तो बाद में, संजय गांधी ही पहले उनको निबट लेता अच्छे से, और इंदिरा गांधी तो पता नहीं कहाँ भेज देती उनको। बाकी जो भी कमियाँ रही हूँ, आप उनके नेशनलिस्ट क्रीडेंशियल इंदिरा गांधी के आप नहीं क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कहता हूं अगर राजीव गांधी भी रहते और वो ऐसे नारे लगते, राजीव गांधी भी इनको जेल के अंदर में सलाखों के पीछे ठोक देता, और शायद इसीलिए राजीव गांधी की हत्या करवाई गई। अब आप देखिए साहब, कांग्रेस की ही अब बात कर रहा हूं मैं, सरदार पटेल पर वो किताब निकली, आप पढ़ लीजिएगा, कौन है वो मिस्टर आरपीएन सिंह, एक किताब लिखी है उन्होंने। वो कहते हैं, और सरदार पटेल भी कांग्रेस के थे, कि जब सरदार पटेल इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके हाथ एक फाइल लगी, और उस फाइल में ये था, पूरा विवरण था कि अंग्रेजों ने ये तय कर लिया था कि ये पूरा बस्तर का इलाका जहां आज आप माओवादी देख रहे हो, ये पूरा इलाका जो राजा है बस्तर का, उससे हम उसको लीज में दिलवाएंगे निज़ाम ऑफ हैदराबाद को, क्योंकि अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि निज़ाम भी अब लगता है इंडिपेंडेंट हो जाएगा वो, तो उसको ये लीज पर उन्होंने निज़ाम से अंडरस्टैंडिंग कर ली होगी। वो इसलिए क्योंकि वो इलाका जो है वो मिनरल्स में, इट इज वेरी रिच, फाइनेस्ट आयरन ओर, बॉक्साइट, ये अल्युमिनियम, अब यू नेम अ थिंग, सफायर, कई प्रेशियस स्टोन्स, रेयर अर्थ मटेरियल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, तो वो भंडार है इसलिए का। तो जब उस समय बस्तर का राजा जो है वो माइनर था, समझ रहे हैं, तो जब उन्होंने फाइल देखी तो सरदार पटेल ने कहा कि इतना बड़ा षड्यंत्र, उन्होंने कहा कि भैया चाहे पार्टीशन हो जाए, जल्दी से आज़ादी ले लो और अपने को कंसोलिडेट कर लो, ये अंग्रेज तो हमको भारत को टुकड़े टुकड़े करके देना चाहते हैं। तो उस समय वो अंग्रेज टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे, आज अंग्रेजों ने जिनको ट्रांसफर नहीं, आज भी एक अंग्रेज अंग्रेज महिला इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती, तभी तो ये आप सेडिशन लॉ हटा दो, वो हटा दो, जो सास ने किया, जो हस्बैंड ने नहीं किया, जो उसने नहीं किया, ये लोग कर रहे हैं। तो वो जो आपने देखा टुकड़े टुकड़े, ये अच्छा, कई लोग ये ना, नहीं नहीं उन्होंने नहीं बोला था, हाँ वो गलत था साहब, खुद अभी ये रिपोर्ट आई है अखबारों में कि उसका पूरा फोरेंसिक टेस्ट हुआ है, वो बिल्कुल सही था, मैं खुद टेलीविजन पे था और किसी को कोई इसमें कोई शक की बात नहीं। तो ये देखिए कि टुकड़े टुकड़े गए का एजेंडा उस समय भी था गोरों का, और आज भी गोरों का टुकड़े टुकड़े का एज,
एजेंडा है। और गोरों का एक और मैं बता दूँ, 2012 में आपको एक मैं बता दूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है ना उनको बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है, अल्ट्रा लेफ्ट को एज अ वेक्टर यूज़ किया जा रहा है। इसीलिए आप देखे होंगे कि वो बिहार से फ्रेंच टूरिस्ट आए थे, माओवादी से मिलने जा रहे थे, उनको भगाया गया। दो इटालियन याद है आपको जो एबडक्ट करवा लिया था जिन्होंने, आपने ये इसी बेल्ट में रेड कॉरिडोर में। तो ये वहाँ पे जो ये अल्ट्रा लेफ्ट ग्रुप्स हैं वो बहुत एक्टिव हैं। और 2012 में हैम्बर्ग में अल्ट्रा लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की एक मीट हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि भारत का जो माओवाद है वो सब पूरे दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। तो गोरे तो अभी भी लगे हुए हैं इसमें। और ये देखिए, ये इस बात को समझिए कि ये क्यों, ये छत्तीसगढ़ इनके लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। मैंने मिनरल्स की बात कही, दूसरा क्या है कि अगर छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो इट इज़ ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ उड़ीसा एंड नाउ तेलंगाना, ठीक है, उसके ट्राई जंक्शन पे है। तो उसमें क्या है कि इनको एक तो जंगल से वो पूरा डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, तो इनको ऑपरेट करना बड़ा आसान हो जाता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए अगर वो ट्राई जंक्शन पे है तो सरकारों का अप्रोच अलग अलग होता है, कोई एंटी नक्सलिज्म नक्सल ऑपरेशंस में योगदान देता है, हैं, कोई उसमें ये कहता है कि भाई हमको इससे क्या मतलब है, वो कोई उनको ये नहीं चाहता। कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जैसे अभी जो मुख्यमंत्री है वो योगदान कर देगा, वो चाहता है कि कोई नुकसान ना हो उनका। तभी अरुंधति रॉय भी वहाँ चली जाती है, सभी लोग वहाँ चले जाते हैं, नंदिनी सुंदर चली जाती है, सभी लोग, हम और आप जाएंगे साहब तो मारे जाएंगे। और पुष्पेंद्र जी, ये जो ब्लीडिंग हार्ट्स है ना, इनसे मेरी एक गुजारिश है, एक स्कूल खोल के दिखा देंगे।